डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग में फैलसीज के बारे में। फैलसीज क्या होती है और इसके साथ साथ हम इथोस, लोगोस और पैथोस के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फॉर्मल फैलसीज और इनफॉर्मल फैलसीज से बहुत क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमीजी नेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलसीज के बारे में दिया हुआ है और हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि फैलसी क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम मिथ्या तर्क यानी कि फैलसी को समझने की कोशिश करते हैं। मिथ्या तर्क किसी कथन का वह भाग होता है जो तार्किक रूप से दोषपूर्ण सिद्ध किया जा सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, ठीक है, वो हमें उसकी सुनने में तो अच्छी लग रही है, यानी कि सुनने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन जब हम उसका डिटेल से एनालिसिस करते हैं, उसको तर्क आर्ग्यूमेंट के ऊपर उतार के देखते हैं तो वो चीज़ गलत निकलती है, उसमें कहीं ना कहीं हमें दोष मिलता है। अब देखिए जैसे बहुत बड़े बड़े नेता है कुछ बात कह देते हैं और हमें लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में जब हम उसका अच्छे से एनालिसिस करते तो हमें पता चलता है कि उसकी बात वो बिल्कुल गलत थी। बहुत हमारे समाज के अंदर फेक न्यूज़ वगैरह फैलती है और वो हमें अच्छी लगती है यानी कि सच लगती है, लेकिन उसको जब हम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करके देखते तर्क द्वारा देखते तो वो गलत साबित होती है। हिंदी में इसे मिथ्या हेतु, हेतादवास और तर्काभास और भ्रामकता भी कहा जाता है। फैलसी को हिंदी में क्या कहा जा सकता है, मिथ्या हेतु, हेतातभास, तर्काभास और भ्रामकता भी कहा जा सकता है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना। मिथ्या हेतु बहुत प्रकार के होते हैं, जो हमारी फैलसी है ना दोस्तों वो काफ़ी तरह की हो सकते हैं। अपनी बात और उसके निष्कर्ष को सही सिद्ध करने के लिए चतुर लोग जानबूझकर मिथ्या हेतु का सहारा लेते हैं, यानी कि वो शब्दों को इस तरह से घुमा फिरा दे देंगे, घुमा देंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि रियलिटी में चीज़ क्या है, क्या बात है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि काफ़ी पाखंडी लोग होते हैं, पाखंडी लोगों की मैं बात करता हूँ जो अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, कहते हैं कि आप ये मंत्र पाठ कीजिए और ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और ये हर धर्म में होता है, मुस्लिम धर्म में भी जो मौलाना वगैरह होते हैं, कुछ गंदे मौलाना वगैरह होते हैं, वो बहका देते हैं लोगों को, वो अपनी बातों में उलझा देते हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से जो बाबा वगैरह होते हैं, फ्रॉड बाबा, वो भी इस तरीके से उलझा देते हैं, लेकिन जब हम उनको एनालिसिस करते हैं भाई इनके मंत्र पढ़ने से हम पास कैसे हो जाएंगे, बाबा कहते हैं कि आप ना 20 दिन तक पूजा पाठ कीजिए आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन वो कह रहा है, लेकिन जब हम उसको आर्ग्यूमेंट पे लेके चलते हैं, उसके साथ तर्क करते हैं, भाई ऐसे कैसे पास हो जाऊंगा मैं जब एक भी बुक नहीं पढ़ूंगा, मेरे को सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो मैं कैसे पास हो जाऊँगा, तो जब हम उसको तर्क के ऊपर देखते हैं तो वो क्या होती है दोस्तों, फैलसी होती है, यानी कि बातों को इस तरीके से घुमा फिरा दिया जाता है कि वो हमें सच लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसको तर्क पे देखते तो वो गलत साबित होती है। तो इसके अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें होती है दोस्तों, उन सभी को हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए विविध प्रकार के मिथ्या हेतु का ज्ञान रखना
अपनी बात को दोस्त दोष से रहित बनाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी दूसरे की बात में निहित तर्क दोष को उजागर। देखिए इसका मतलब सीधा सा यही है कि जो व्यक्ति हमें बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, उसे भी तो पता है ना चीजों को किस तरह से घुमाना फिराना। इसी तरीके से हमें भी पता होना चाहिए कि वो जो बात कह रहा है उसको हमें किस तरीके से तर्क करना है, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट करना है, और किस तरह से उसमें सच्ची बात को निकाल के लेके आना कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इसलिए हमें फैलसी के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों हमने हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर दिया हुआ, आप दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ए फैलसी इज द यूज ऑफ इनवैलिड और अदरवाइज फॉल्टी रीजन और रॉन्ग मूव इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि इसके अंदर गलत तरीकों का यूज किया जाता है, गलत रीजनिंग का यूज किया जाता है अपनी बात को साबित करने के लिए। फैलेसियस आर्ग्यूमेंट मे बी डिसिप्टिव बाय अपीयरिंग टू बेटर देन इट रियली इज, यानी कि उसके अंदर जो रियलिटी में जो होता है ना उससे ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है इसके अंदर। और अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक छोटा शेर है, बेबी है शेर का, और यहाँ पे एक बिल्ली है। ये क्या सोचती है भाई, ये जो है ना ये जानवर मेरे तरह दिखता है, और ये क्या कहती है कि इसके भी चार टांगे, यानी कि ये जो शेर है इसके भी चार टांगे हैं, मेरे भी चार टांगे, यानी कि इसको भी चार टांगे और मुझे भी चार टांगे, इसको भी एक पूंछ है, इसको भी एक पूंछ है, और ये कहती है मुझे भी एक पूंछ है तो मैं भी टाइगर होगी। यानी कि बातें इसकी सारी की सारी वही है जो इसके अंदर है, लेकिन दोनों के दोनों सेम तो नहीं है ना, एक जैसे तो नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर बातों पे इनके विश्वास करें तो कहेंगे कि हाँ ये दोनों एक चीज़ है, लेकिन ये रियलिटी में एक नहीं है। तो इस तरीके से हमें बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं, भाई ये देखो हम ऐसे पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे, और शनि ग्रह दूर हो जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए, यानी कि हमें बहकाने की कोशिश करते हैं। और हर धर्म में, हर जगह, हर देश में ऐसा किया जाता है, राजनेता लोग भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। तो ये आप इसमें इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और इसमें बस थोड़ी बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा डीपली इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। और अब देखिए जैसे ये है जो उसने कहा था कि राहुल गांधी ने कहा था कि एक साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, ये लोग क्या सोचते हैं कि ये बात इन्होंने ही कही थी, राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन मीडिया के अंदर इस इनकी बात को घुमा फिरा के पेश किया गया और पूरा देश आज ये मानता है कि ये बात इन्होंने कही थी। देखिए मैं भी मानता हूँ कि ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन इनके कहने का मतलब कुछ और था, इनकी पूरी वीडियो आज तक किसी ने नहीं सुनाई, जो पूरी ऑडियो क्लिप थी, पूरी वीडियो थी, वो किसी को नहीं बताई गई। अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों कह रहे, उसका रीजन क्या है। जो आज तक हमने इनके बारे में सोचा है भाई ये तो बड़े ही बेवकूफ किस्म के इंसान हैं कि ऐसी क्या मशीन बनाएंगे कि एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकालो, ये इतने बेवकूफ तो नहीं है कि ऐसी बातें कहेंगे, लेकिन इनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया इनके मैसेज को कि लोगों को ये बिल्कुल सच लगती है। ये देखिए ये कहा है ना इसने कि एबीपी न्यूज ने आलू से सोना बनाने वाले वीडियो का सच किया है, तो इसका जो सच था वो कुछ और था, लेकिन हमें शब्दों के माया जाल में इस तरीके से घुमाया गया कि हमें आज भी ये लगता है कि ये जो राहुल गांधी बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है, इसने ऐसी बेहुदा बात कही, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें जो शब्दों के माया जाल में घुमाया गया था। तो ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ में। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों फैलसीज के अंदर और क्या चीज़ें होती है। देखिए वन वे टू गो अबाउट इवेल्युएटिंग एन आर्ग्यूमेंट फॉर फैलसीज इज टू रिटर्न टू द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री टाइप ऑफ स्पोर्ट फॉर द क्लेम, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसको क्या क्या सपोर्ट करेगा, उसके अंदर क्या क्या तीन चीज़ें होनी चाहिए, इथोस, लोगोस, पैथोस, इन तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इथोस के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। इथोस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट अपील टू इथिक्स, अथॉरिटी,
एंड क्रिएटिविटी, यानी कि ये एक ऐसा तर्क होता है जो नैतिकता, अधिकार और विश्वास के लिए अपील करता है। ये कहता कि आप हम पे विश्वास कीजिए, ये अधिकार है हमारा और ये हमारा कर्तव्य है। इस तरह की हम बातें करते हैं, इस तरीके की अपील करते हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अपनी विश्वसनीयता के लिए। अब इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, रेटिंग ऑफ एनी ऐप। देखिए, हम प्ले स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐप की रेटिंग दी जाती है, तो वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बारे में बताइए कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जब हम उसके बारे में अच्छी रेटिंग देते हैं तो लोगों को विश्वास हो जाता कि ये जो ऐप है बहुत अच्छी ऐप है। तो ये चीज़ है दोस्तों, और आप हमारी ऐप निमिजीनेट को भी रेटिंग ज़रूर करना दोस्तों। अगर आपने हमारी ऐप इंस्टॉल करके उससे आपको कोई भी फ़ायदा हुआ है तो आप हमें रेटिंग ज़रूर करना दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं लोगोस। लोगोस क्या होता है? इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट अपील टू लॉजिक। ये बात करता, तर्क की बात करता है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात होती है, लॉजिक की बात होती है, ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और इसका हम एग्जांपल लेके चलते हैं, इंटरनेट इज़ वेरी स्लो ड्यू टू बैड नेटवर्क। अब हम कहें कि इंटरनेट इज़ वेरी स्लो, ठीक है, तो अगला व्यक्ति पूछेगा कि भाई क्यों स्लो है, इसका रीज़न क्या है, आपका मोबाइल ख़राब है इसलिए रीज़न, ये रीज़न है, या फिर आपके मोबाइल में जो डेटा है वो ख़त्म हो गया है, क्या है उसका रीज़न क्या है। तो हम रीज़न देंगे भी बैड नेटवर्क है। तो जहाँ पे हम रीज़न दें, तर्क दें, लॉजिक दें, तो वहाँ पे क्या होगा, लोगोस होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पैथोस की बात करते हैं। पैथोस इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट अपील टू इमोशन। ये क्या है कि ये फीलिंग की बात करता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं हम, यानी कि इमोशनल करने की कोशिश करता है, अपनी बात इमोशनली तरीके से मनवाने की कोशिश करता है। इसके अंदर देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, माई फादर इज़ द बेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके अंदर हम अपनी भावना में बह के कहते हैं कि जो मेरे पिता है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। तो इस तरीके से हम इसमें भावनाओं की बात करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद दोस्तों हमारे टाइप ऑफ फैलसीज आते हैं, और फैलसीज आप सभी को पता है कि दो तरह की होती है, फॉर्मल फैलसीज और इनफॉर्मल फैलसीज होती है। इन दोनों के बारे में हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप हमारी ऐप निमिजीनेट ज़रूर डाउनलोड करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताना, और आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजीनेट है तो जीआरएफ है।